हेलो गैस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। दोस्तों, ये 14वां दिन है और 14वां लेक्चर है डेली जनरल और अवेयरनेस का, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कोल इंडिया एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो ये सारा जो वीडियो है आप फॉलो कर सकते हैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन पूछ रहा है कोल इंडिया में, और JPSC AE मेंस में 100 मार्क्स का है और UPSC में भी 75 मार्क्स का है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोले, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे केनिया जी जो थे वो भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत के नौसेना के प्रथम कमांडर वाइस एडमिरल कौन थे? तो RD कटारी थे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। भारत में झींगा का आयात सबसे अधिक कौन करता है? दक्षिण अफ्रीका करता है। नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पीटर सदरलैंड जो है वो विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष है। भारतीय जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो बरगुर चंद्रप्पा के बीच में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पे है? तो नागालैंड में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी है। बरदौली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन जो थे वो बरदौली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर थे। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन से है? तो धूपगढ़ है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो एयरफोर्स जो फ्लाइंग फैलग है कॉलेज है वो जोधपुर है, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे स्थित है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो वायलेट अलवा जी जो थी वो राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप जो थे वो सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति थे। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन है? तो भूमध्य सागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो चंपारण के साथ। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो पोलोनियम है मानव निर्मित प्रथम तत्व। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन हो गया है? तो कर्नाटक हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारतीय कौन था? तो मैडम भीकाजी कामा जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले भारतीय थे। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन थी? तो किसान कन्या जो थी वो भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म थी। चंद्र प्रभा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? बंगलोर में है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे? तो KM करियप्पा जो थे वो स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल थे। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में। सहवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, एमिटोसिस विभाजन होता है। पीयूष ग्रंथि प्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अल्जमेहर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कपड़ों के रंग का विरंजन ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक रिएजेंट कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो रक्त ओ समूह को कहते हैं। सर्वत्रिक अदाता यूनिवर्सल रिसिप्ट किस रक्त समूह को कहते हैं? तो AB ब्लड ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। हाल ही में NPCI ने किस UPI सेवा की मंजूरी दी है? तो व्हाट्सएप API वो UPI सेवा की मंजूरी दी है। हाल ही में किसने क्रेडिट स्विस के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो तिरजेन थियम जो है वो क्रेडिट स्विस के CEO के पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में टाटा टेली
सर्विसेज ने किस कंपनी में विलय की घोषणा की है? तो भारतीय एयरटेल में। ठीक है, भारतीय एयरटेल में। हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे केनिया थे। स्वतंत्र भारत के नौसेना के प्रथम कमांडर वाइस एडमिरल कौन थे? तो आर डी कटारी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। भारत में झींगा का आयात सबसे अधिक कौन करता है? दक्षिण अफ्रीका करता है। नागार्जुन सागर विद्युत पर जो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पीटर सदरलैंड है। भारतीय जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच स्थित है? बरगुर चंद्रप्पा के बीच में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पे है? नागालैंड में है। बरदौली सत्याग्रह के प्रेसिडेंसी कौन थे? तो लेस्ली विल्सन थे। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ऊंची चाटी कौन सा है? धूपगढ़ है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में है। राज्यसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वायलेट अलवा थी। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन है? भूमध्य सागर है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? चंपारण के साथ। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन हो गया है? कर्नाटक हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला भारतीय कौन था? मैडम भीखाजी कामत था। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कन्या थी। चंद्र प्रभा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ पर है? बंगलोर में है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे? तो के एम करियप्पा थे। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सेवाल ईस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, एमीटोसिस होता है। पीयूष ग्रंथि प्यूटोटरी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। अल्जमेहर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कपड़ों के रंग का विरंजन किनके करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो ओ को। सर्वाधिक अधदाता यूनिवर्सल रिसिप्ट किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ए बी को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। हाल ही में NPCI ने किसे UPI सेवा की मंजूरी दी है? व्हाट्सएप की। हाल ही में किसने क्रेडिट स्विस के CEO पद से इस्तीफा दिया है? तिरजन थियम ने। हाल ही में टाटा टेली सर्विसेज ने किस कंपनी में विलय की घोषणा की है? तो भारतीय एयरटेल में। हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए, सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।